ऑन करो ना जी, रोशनी बाबू ऑन कीजिए। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू, लाइन आउट लाइन एंड एंगल्स पढ़ा रहे। अब शांति से 20 मिनट सुनना, शांति से पहले क्वेश्चन जो समझाते उसको समझ लो, और उसके बाद तो लिखने का टाइम देवे करते हैं ना, कैसे कैसे सोल्व करोगे। आपको कंपटीशन कहीं जाओगे ना तो यही सब क्वेश्चन में आता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं आता, खाली फिगर बार देख कर डर लगता है ना। अब यहाँ पे देखो दोनों फिगर दोनों कनेक्टेड है नहीं है, अब कैसे सोल्व करोगे? ये दोनों कनेक्टेड है बाबू, यहाँ एंगल दे ले, यहाँ पूछ रहा है, यहाँ वाला एंगल यहाँ पूछ रहा है ना, तो वही सब हमको सीखना है। पहले शांति से सुनो। देखो बाबू इसका बाबू क्या कह रहा, बाबू क्या कह रहा भोला, आपको क्या दे ले है, ए बी पैरेलल सी डी दे ले, ई लाइन में पैरेलल दे। शांति से सुनो, लिखना नहीं है, लिखने का टाइम देंगे है ना। सोल्यूशन बाबू देखो कैसे करोगे, आपको क्या यहाँ पे ऐसे जब भी ठीक है, जब भी यहाँ पे वो लाइन ऐसे दे रहेगा, मतलब हम क्या समझेंगे 90 डिग्री। यहाँ पे जब भी कोई लाइन अगर दिया बाबू तो इसको हम लोग क्या समझेंगे 90 डिग्री, यहाँ क्या है 90 डिग्री ठीक। आई 30 डिग्री दे लेते, एक्स की वैल्यू नहीं निकल जाएगा किसी राइट एंगल ट्रायंगल तीनों एंगल का सम करना 180 डिग्री। शांति समझना, तो 90 + 30 + 1 = 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। लिखने का टाइम देंगे, एक्स बार कितना आ गया 60 डिग्री आ गया ना। आसान क्वेश्चन है, खाली धोखा किया गया। ट्राइंगल ई ए एफ में एक्स प्लस 90 + 30 = 180 डिग्री, तो 90 + 30 कितना 120, 180 - 120 कितना 60 डिग्री, एक्स की वैल्यू 60 आ गया। अब एक्स की वैल्यू 60 आ गया है ना, नेक्स्ट कैसे करोगे, एक्स प्लस बाई प्लस 80, एक्स प्लस बाई प्लस 80 बराबर 180, एक्स या स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बने। पहले शांति से सुनो ना, बाद में लिखते रहना, अंदर का दो एंगल बाहर के एक एंगल से इक्वल है मुझे। अच्छा ठीक है, पहले वीडियो ऑन करो, ऐसे तान में रोशनी रोशन करो बाबू। नेक्स्ट बाबू, ई स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनेगा ना, ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एक्स प्लस बाई प्लस 80 कौन सा सर, एक्स प्लस बाई प्लस 80 बराबर कितना 180, तो x की वैल्यू 60 सर, अब y की वैल्यू नहीं पता, प्लस 80 बराबर कितना 180, 80 60 कितना 140, तो y बराबर 180 - 140। शांति समझना, y का वैल्यू 40 आ गया ठीक। नेक्स्ट x पता चल गया, y पता चल गया, आपको दे ले ए बी और सी डी क्या, ए बी और सी डी क्या पैरेलल है, ई लाइन में और ई लाइन में पैरेलल है, ये दोनों लाइन में क्या पैरेलल है, पैरेलल है, तो ये दोनों जब पैरेलल है बाबू तो ई 80 होगा, तो कौन सा एंगल का रिलेशन बनेगा, ये दोनों लाइन में पैरेलल है तो क्या सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल बनेगा ना जी। अरे पैरेलल लाइन के बाबू ये ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में अंदर वाला अंदर का होता है, कोइंटीरियर एंगल्स होता है, तो कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 80 + z बराबर कितना 180, तो 80 + z बराबर 180, तो z बराबर कितना 100 डिग्री। तो यही तो करना था, थोड़ा सा सर खाली सोचना था, कुछ नहीं करना था है ना। देखो रोशनी शैतान फिर से बाबू है ना, शैतान वीडियो ऑन करो, कुछ होने के बाबू, ट्राइंगल ई बी एफ में ई सी एफ में 90 30 90 एक्स, एक्स निकल गया, फिर स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री, एक्स प्लस बाई प्लस 180 बराबर 180 डिग्री, यहाँ से बाई निकल जाएगा, फिर जेड प्लस 80 बराबर 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से, तो यहाँ से जेड निकल जाएगा, और कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना। तो ये सब एग्जाम में आएगा बाबू, तो आपको एक मार्क्स में आएगा, तो ऐसे डायरेक्ट बनाना है, लिखे उखे की जरूरत नहीं है। लिखो शैतान, आप लिखो, आप लोग इन ट्रायंगल लिखो ई सी एफ में, किस में ई सी एफ में 30 डिग्री + 90 डिग्री + x डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। नेक्स्ट एक्स 90 + 30 कितना 120 डिग्री, तो x प्लस 120 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री, तो x बराबर कितना 180 डिग्री - 120 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री हो जाएगा है ना। awesome. x की वैल्यू को निकाल गया, उसके बाद लीनियर पेयर से सर सी एफ डी लीनियर पे है ना, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, तो x प्लस y प्लस z बराबर कितना 180 डिग्री, तो y नहीं निकल जाएगा है ना, क्योंकि क्या चूंकि देखो जल्दी से बाबू मेरा बोला, पहले एक बार आपको समझना है, क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो उसके बाद क्या होगा ना, क्या आसानी से कर सकते हो है ना, ठीक है ना। तो पहले जब समझाते उसको शांति से सुनो, डेफिनेटली समझ में, इसमें कुछ है बाबू, खाली नॉर्मल में धोखा किया गया। एक्स प्लस बाई प्लस जेड, एक्स प्लस बाई प्लस जेड कितना 180 डिग्री, अब लोग 180 डिग्री यही ना होता है ठीक सर, जेड नहीं है 80 है, एक्स की वैल्यू हमको पता चलिए गया सर, बाई की वैल्यू ना निकाल लेगा, एक्स की वैल्यू कितना है 60 डिग्री + y + 80 = 180 डिग्री, तो y बराबर 180 डिग्री - 140 डिग्री, तो y बराबर कितना 40 डिग्री, y भी निकल गया,
जेड नहीं निकल सकता सर, निकल जाएगा सारे 80 प्लस जेड बराबर सम को इंटीरियर एंगल, जेड प्लस 80 कितना 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। ए गुनगुन, ए शैतान गुनगुन, यस सर। ए बाबू धाम वीडियो ऑन कीजिए बाबू, मिस्टर अनुज बाबू ऑन करो। तो वीडियो बंद करके खाली नाटक करता है, लिखो अब बाबा धाम, लिखती नहीं है। हायर क्लासेस में कंसेप्ट नहीं है ये बाबू, आपको बाबू बेसिक कंसेप्ट ही यूज होता है, खाली आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे देता है, ठीक है ना सर। प्रॉफिट लाओ सर, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट टैक्स पढ़ा दीजिए ना। कई बार पढ़ाएंगे सर, प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ाया सर। जेड प्लस 80 बराबर 180 डिग्री, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सर। प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ाया जी। नो सर। अच्छा देखते हैं बाबू, बता दे लिखो जी। तो ये 42 का सॉल्यूशन हो गया, 42 का सॉल्यूशन हो गया। खाया जा बाबा धाम, खाया जा। रोशनी होमवर्क उमवर्क बना के नहीं भेजती हो रोशनी बाबू, काहे से करती हो जी, दवा खाने का मन कर रहा रोशनी। हाँ रोशनी बोलिए, होमवर्क का नहीं बना के भेजती हो जी। आके इसको कूटना पड़ेगा, कस जल्दी लिखिए, 43 नंबर करते हैं। अरे शैतान ये लिंक मांग रही है, हद हो गए बाबा। जल्दी करो बाबू, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए बाबू। लिख ली सनी नाम? यस सर। चलो हम लोग आगे देखते हैं, जो नहीं लिख पाए वो व्हाट्सएप ग्रुप से लिखो, भेज रहे हैं। मोबाइल का डेट एक्सपायर हो गया जी, काम नहीं करता। चलो भोला नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 43। देखो 43 क्या सर आसान है, 43 भी क्या बाबू आसान आसान है ना, आसान है। उसे अनाउंस करेगा जी क्या के बाबू मलमास मेला घूमे कूट दे आके। नेटवर्क नहीं बढ़िया। अच्छा रुको पापा जी को फोन करते हैं। देखो 43 क्या कह रहा है बाबू, शांति से सुनना है, पहले शांति से सुनो और फिर उसके बाद बाबू है ना लिखने का टाइम देंगे। देखो 43 ऐसे देखोगे बाबू, उसको त्रिनेत्र से देखना पड़ेगा। कहाँ से देखना पड़ेगा बाबू? गुनगुन, त्रिनेत्र से, है ना। मतलब क्या बाबू, देखो ए बी पैरेलल सी डी आपको दिल्ली कह रहा, और ई टू एक्स, ई टू एक्स, आई थ्री, 100 डिग्री, तो कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो। तो आप कौन से रिलेशन लगाओगे, कैसे लगाओगे? ये लाइन में तो यही खत्म हो जाता है ना जी, मेरे लाल कैसे रिलेशन लगाओगे, कैसे सोचोगे? मान लो यहाँ पे बाबू पॉइंट ए बी सी डी ई मान लेते हैं, यहाँ पे एफ मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मानोगे ई एफ जी मान लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक नेक्स्ट बाबू, तो हमको क्या कह रहा है सर, क्या कह रहा है सर आपको, ये 3x 2x है और ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है। ई लाइन में ए बी लाइन में सी डी लाइन में क्या पैरेलल है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालने का है, कैसे निकालोगे सोचो। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ से बाबू पॉइंट ई से बाबू ए बी और सी डी का पैरेलल एक लाइन ड्रा करो, भूल जाओ कि ये 100 डिग्री, थोड़ा देर के लिए भूलो इसको। क्या करो भोला, है ना, ए बी और सी डी का पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रा करो। क्या करो बाबू, लाइन ड्रा करो जो क्या रहे हैं, दोनों के पैरेलल रहे, है ना, इस तरह से। ठीक
ठीक सर। अब जैसे एक लाइन ड्रा किया बाबू, ई एफ जी एच कर दो, है ना। अब बाबू यहाँ से, बाबू अब आप यहाँ से समझ सकते हो कैसे सर, शांति से समझना, शांति से समझना, है ना, शांति से समझना। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप इधर वाला भूल जाओ श्रुति। तो अगर बाबू ई एच पैरेलल क्या सी डी है, तो ये बाहर वाला एंगल आइए, अंदर वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, कौन सा एंगल रिलेशन बनेगा। शांति से देखो, हमने क्या किया सर, ई एच पैरेलल सी डी ड्रा किया, है ना। जैसे ड्रा किया सर, तो हमको रास्ता एकदम दिखाई दे दिया, एकदम स्पष्ट एकदम, है ना, त्रिनेत्र खोले तो ये बाहर वाला एंगल, ये लाइन ए सी डी लाइन ई एच पैरेलल है, आई ट्रांसवर्स लाइन है, ई एफ क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। तो एगो बाहर वाला एंगल, ये कौन सा एंगल, बाहर वाला, ये अंदर वाला एंगल, आपस में क्या होगा, बराबर होगा, कौन से एंगल से सर, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, कौन से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x। शांति से सुनो, अरे फिर क्या लिखेगा सेकंड, पहले समझो ना जी, ठीक। ये एंगल वा हो गया 2x, नेक्स्ट वो मार्कर चेंज करता है ना, नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट समझिए, है ना, रेड है जी, ब्लैक से करते हैं। उसी तरह से बाबू ऊपर वाला का हिसाब किताब करो, ऊपर वाला का करो, इसको झापो। आगे क्या है सर, आगे क्या है सर, ए बी पैरेलल क्या ई एच है, ए बी पैरेलल क्या ई एच है, ए बी पैरेलल क्या ई एच है ना, ए बी पैरेलल ई एच। तो ये बाहर वाला एंगल और ये ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा, जी मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स लाइन। तो ई वाला एंगल वा, आई वाला एंगल वा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से बराबर नहीं होगा, एगो बाहर वाला लाइन एगो अंदर वाला एंगल, है ना, बाहर बराबर होता तो एक बाहर एक अंदर, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में कौन सा होता, तो ये होता आपका क्रॉसपॉन्डिंग होता। तो ई क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएगा, तो ऊपर वाला 3x, तो ये भी कितना हो जाएगा 3x, ऊपर वाला 3x, तो ये भी कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। हाँ सर, यही तो सोचना था, है ना, ठीक सर। तो ये 3x आई एगो 2x एगो 3x आई, टोटल एंगल आपको क्वेश्चन मा में दिले है, कितना दिले है, 100 दिले है, टोटल कितना दिले है क्वेश्चन में, 100 दिले है। तो 3x प्लस 2x बराबर कितना, 100, 3x प्लस 2x बराबर कितना, 100। तो x का वैल्यू 20 नहीं आ जाएगा ना, करेंगे 3x प्लस 2x बराबर 100, तो 5x बराबर 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कुछ करना था, यही ना करना था, खाली एगो क्या करो, एक लाइन है ना ड्रा, ई एच लाइन ना, वो एक एगो ई एच लाइन ड्रा करो, जो क्या है, ए बी और सी डी के क्या रहे, पैरेलल रहे ना, पैरेलल है, उसके बाद थोड़ा सा लिख दो लिटरेचर में, और कुछ थोड़ी करना है। समझ में आता है शांतनु, तब भली आता बहुत समझ में, बहुत शांतनु। हाँ सर, आता है, आता है सर, आता है। लिखो बाबू आप लोग, हाँ भोली, तो मम्मी जी कैसे बोलते हो, नहीं पढ़ते है। सॉल्यूशन इसका करो भोली, ड्रा ई एच पैरेलल बाबू, ड्रा ई एच पैरेलल ए बी एंड सी डी, क्या करेंगे बाबू, फिर से बनाना, ठीक है, कल फिर से थकेगा, इसी में दूसरा मार्कर से कलर से बना लो, ड्रा बाबू ई एच पैरेलल एंड बाबू ए बी, अब पैरेलल क्या बाबू सी डी, हमने क्या ड्रा किया ई एच बाबू, है ना बाबू, या इसको लिटरेचर में लिखेगा, इसे लिख लो ड्रा ई एच पैरेलल, म्यूट करो जी, तेजे ना उतना क्यों लिख रहा है, अच्छा ड्रा ई एच पैरेलल ए बी बाबू एंड ऑल्सो बाबू ई एच पैरेलल किसका सर, ई एच पैरेलल कितना ए बी के साथ सी डी भी, ठीक। हाँ सर, तो एंगल एच ई सी एच ई एफ और सी डी सी एफ आपस में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, है ना बाबू, चूंकि क्या करोगे ई एच पैरेलल कौन सा सर, सी डी, ई एच पैरेलल क्या सर सी डी है, इसलिए एंगल एच ई एफ बराबर कौन सा, एंगल डी सी एफ, कौन सा एंगल से, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल से, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक। एंगल एच ई एफ डी सी एफ दे ले सर 2x, 2x हो गया, एक वैसे 1 हो गया, है ना, ठीक बाबू। उसी तरह बाबू ई एच पैरेलल क्या सर ए बी है, सिमिलरली बाबू ई एच पैरेलल क्या है ए बी है,
है ना। हाँ सर लिखिए, समझते चलिए। एच पर ले भी है इसलिए बाबू एंगल कौन सा सर, एंगल एच ई जी, एंगल एच ई जी, एंगल एच ई जी, एच ई जी बराबर कौन सा हो जाएगा, एंगल बी ए जी, कौन से सर क्रॉसपोंडिंग एंगल से, कौन से क्रॉसपोंडिंग एंगल से है अंशुजीत। हम तो इससे दो गो बच्चा से परेशान हुए बाबू बीपी रमजीत मिष्टी बाबा धाम पानी पिला पिला के एकदम जान मारती है इसे। चल गई जी बाबा धाम, नहीं है ये जी जीवित है जी बा। नेक्स्ट बोला एंगल एच ई जी बाय बी ए जी कितना है, 3x है ठीक। इक्वेशन टू, एक प्लस दो कितना होगा सर, 3x 2x कितना 5x, आई सौ दिल्ले है ना, हो गया और कुछ है ना बाबू। इक्वेशन वन प्लस टू से, वन प्लस टू से है ना 2x प्लस 3x बराबर 100 degree, तो यहां से क्या आ जाएगा भोला 5x बराबर 100 degree, x बराबर 20 degree, तो x पूछ रहा था x निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन है बाबू ईसा ईशांत भोला, आप 42 तक के भेज दिए ग्रुप में बाबू ईसा भोली, यहाँ से आप लिख सकती हो 42 का भेज दिए ग्रुप में, वहां से लिखिए व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ। जल्दी लिखो बाबू, अगला क्वेश्चन गुनगुन सोचो तो बाबू 44 नंबर कैसे सोचोगे, सोचो बाबू 44 बाबू किसका कितना आता है, जल्दी से सोचो भोला, गलती भी सोचो लेकिन सोचो सर। हाँ बोले, जेड बराबर 70 degree, वाई 60 degree और एक्स 25 degree, एक्स 25 आएगा बोले। हाँ सर 2x अगर निकालेंगे तो 50 आएगा, लेकिन सिर्फ x निकालेंगे तो 25 आएगा, एगो 25 70 105 degree, भाई कितना, अच्छा 2x है बाबू सर, x निकालने के लिए बोल रहा है सर, भाई 40 आ जाएगा, z 70 आ जाएगा, ता भाई 40 ऐसे 110 degree और 50 degree। हाँ बोले जल्दी करो जी, खाली फिगर डराने वाला काम करता बाबू है कुछ नहीं सर, x 45 आ जाएगा, x 45 आएगा, कुटाई खोज रहा। बिट्टू ए भोला, बिट्टू कहाँ भी दोनों एक ही है, कौन सा एक ही है, 46 नंबर से जो डायग्राम है वो दो जो है वो एक ही डायग्राम है, एक के डायग्राम भोले, एक के गो है बाबू। बिटू ए बिटू देखो ना शैतान सा उधर गप करे लग गया, बिटू एक छड़े, बिटू इसीलिए सब शैतान को वीडियो नहीं बंद करवाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू 44 नंबर,
देखो 44 में क्या करना है जी, लिट्टो संडे को कुटाने के लिए तैयार रहना बाबू। भागल कहाँ है जी, बोलता नहीं है। नेक्स्ट बाबू, देखो इसको कैसे बनाओगे सर, यहाँ तो हमको कुछ और रास्ते नहीं दिख रहा, हमको डर लग रहा, डर लग रहा। देखो डरने की बात नहीं बोला है ना, आसान सा क्वेश्चन है, खाली आपको दे ले ए बी पैरेलल सी डी दे ले, शांति समझो। ए बी यहाँ लिख ले, ए बी पैरेलल सी डी मतलब ई वाला ए बी लाइन में और ई वाला सी डी लाइन में पैरेलल है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का रहा, क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का रहा है ना। ठीक, कैसे निकालेंगे अब, कैसे करेंगे सर, ट्रायंगल का वो कौन सा कंसेप्ट लगाएगा, कोई तो रास्ते नहीं। मान लो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनेगा तो ए टू एक्स प्लस 70 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ दो वेरिएबल हो जाएगा ना। अगर एक्सटीरियर वाला सोचता है सर 130 बराबर कितना, वाई प्लस जेड, कल ही बताए किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल कैसे हमको बराबर होता था, वाई प्लस जेड बराबर कितना 130 डिग्री, तो वहां से नहीं सोल्व होगा, कैसे होगा सर। तो आपको एक दिया हुआ बात दिया हुआ, ए बी पैरेलल क्या दिया, सी डी दिया, थोड़ा सा यहाँ सोचो, शांति से पहले सोचो जी, उसके बाद लिखना बेटो, इसको कुटाई चाहिए। नेक्स्ट बाबू, इसमें थोड़ा सा सोचो, क्या सोचेंगे सर, थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो किसको सर, ए बी पैरेलल क्या है सर, सी डी है, ए बी को थोड़ा आगे बढ़ाओ ना, देखो ना रास्ता आपको दिखाई देने लगेगा, मतलब क्या सर, थोड़ा सा इसको पीछे बढ़ाते, आगे पीछे बढ़ाओ तो बढ़ाए सर, इसको भी पीछे बढ़ाओ, जब पैरेलल दे रहा है बहुत तो उसको आगे पीछे बढ़ा के देखना, रास्ता कुछ कुछ अब दिखाई दिया, शांति समझो, देखो रास्ता आपको दिखाई देगा, कौन सा सर, ई लाइन में पैरेलल है, पूरे ग्रीन कर देते हैं, अच्छे से आपको विजुलाइज हो जाएगा है ना। ये लाइन में क्या है सर, पैरेलल है, ये लाइन में क्या है, पैरेलल है, पीछे एक्सटेंड कर दिया, और ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, तो आप बोल्ड कर देते हैं, आपको अच्छा से विजुलाइज हो जाएगा। अब देखो विजुलाइज होगा जी, बाकी रेड को छोड़ दो थोड़ा देर के लिए, इस ये 130 डिग्री ये लाइन में ग्रीन वाला, ए भी पैरेलल सी डी है, तो ई 130 डिग्री, तो यहाँ से ई भी एंगल वा 130 होगा कि नहीं होगा, शांति से समझो, यही समझना और इसमें कुछ नहीं करना, ई 130 डिग्री है सर, ठीक, तो ई 130 डिग्री है, तो ये देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी सी डी क्या बाबू, पैरेलल है ना, पैरेलल है बाबू, ए बी सी डी क्या, पैरेलल है, ठीक, तो ई 130 डिग्री, तो ये बाहर वाला एंगल है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक, तो ये वाला एंगलवा जो बनेगा और ये वाला एंगलवा अल्टा है, कौन सा है, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, आपको बोले चार पांचे को एंगल याद रखना है ना, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल इंटीरियर एंगल ये सब याद रखना, तो ये बाहर वाला एंगलवा हो गया, ये अंदर का हो गया, ये बाहर का हो गया, तो ये 130 है, तो ये 130 हो जाएगा है ना बाबू, तो जैसे ही ये 130 तो ये 130 मतलब कितना सर, बाई प्लस जेड की वैल्यू, बाई प्लस 70 डिग्री, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 130 होगा ना जी, अब ये 130 कितना, बाई प्लस 70 बराबर कितना 130 है, है ना 130 है, तो बाई का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 130 माइनस 70 कितना 60 डिग्री निकल जाएगा है ना, 60 निकल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बोला बाई का वैल्यू 60 आ गया सर, अब जैसे बाई का वैल्यू 60 आ गया बोला, तो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनेगा, ये 60 डिग्री हो गया, ये 70 हो गया, ये 2x हो गया, तो 2x प्लस 70 प्लस बाई बराबर 180 डिग्री, तो बाई का वैल्यू तो हमको 60 पता है सर, आई 70 पता है सर, तो 70 प्लस 60 130 डिग्री प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेगा, ठीक। नेक्स्ट बोला बाई की वैल्यू 60 आ गया, ये एंगल 60 आ गया बाबू, तो आपको कल ही थ्योरम बताए थे बाबू, ये 130 है, ये 60 है, ये जेड है, तो 60 प्लस जेड बराबर कितना होगा 130 डिग्री, किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना बाबू, सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता, अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता, तो जेड प्लस 60 बराबर 130, जेड प्लस 60 कितना 130 हो जाएगा, तो यहाँ से बहुत जेड प्लस 60 130 तो जेड बराबर नहीं निकल जाएगा 70 डिग्री के आसपास है ना, तो यही तो करना था, कुछ की है खाली, थोड़ा सा एक बात सोचना था, क्या सोचना था, एक वो बात खाली सोचना था बेटो, कहाँ भेजिए जी, खाली ए बी और सी डी को क्या करो, थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दो है ना, आइए क्रोस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जैसे क्रोस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो गया था, यहाँ वाला बाई निकाल जाएगा, यहाँ का बाई क्या हो जाएगा, निकाल जाएगा, यहाँ का जैसी बाई निकल गया था, बाकी आपको पूरा रास्ता क्लियर दिख जाएगा, पूरा रास्ता दिख जाएगा है ना, ठीक बाबू, तो इसको हम लोग कैसे लिखें बेटो, इसे कहाँ भेजी है जी,
नेक्स्ट तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, चूंकि बाबू क्या है सॉल्यूशन, इसका कैसे लिखेंगे? अंशुजीत लिख रहा है जी, हमको पता नहीं अंशुजीत पे का है डाउट जा रहा है, क्या कर रहा है अंशुजीत? लिख रहा है, अभी चेक करते हैं, अभी चेक करते हो। ए बी पैरेलल कितना? सी डी। क्या दे सर? ए बी पैरेलल सी डी, इसीलिए एंगल कौन सा बाबू? यहाँ पे कुछ नाम दे दो, ए बी सी डी ई नाम दे दो, तो ई ए बी, ठीक, इसलिए बोला मेरा बाबू एंगल ई ए बी, यहाँ पे ई नाम दे दो ना, ई ए बी, ई वाला एंगल बराबर कितना हो जाएगा? ए बी ए सी डी बराबर एंगल ए सी डी, ये हो जाएगा। ई ए बी की वैल्यू दे ले 130 डिग्री, ए सी डी की वैल्यू दे ले 22 + 70 डिग्री, ए सी डी 22 + 70, तो बाई की वैल्यू निकालो, 22 = 70 इधर पकड़ के लाओ तो 130 - 70 तो 22 = 60 डिग्री हो गया। बाई की वैल्यू आ गया सर, तो एक स्ट्रेट लाइन पे 22 + 70 + 2x = 180 डिग्री है ना, 22 + 70 + 2x = 180 डिग्री। बेटू इसे तो सूत गया बेटू अंकित सूत गया शैतान, इसको कूटते हैं। नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या करेंगे, चूंकि बाबू एबीसी मेरा क्या हो जाएगा, चूंकि 22 + 70 आप कहा बाबू वीडियो बंद करके कहा भागल है जी? हाँ बाबू कहा भागल है क्लास छोड़ के? जूता लेने था, क्लास में जूता लेने जाता है, 2 बजे आया तो कुछ किया जी? हमको सब पता चल जाता, चलो ठीक है बाबू जूता खरीदने गया, क्लास में शैतानी सब जूता खरीदने जाता। नेक्स्ट बाबू नहीं पढ़ो तो पता नहीं सब बाबू है ना, थर्ड है ना, थर्ड जो सेंस ऑफ है ना बाबू पता चल जाता, शैतान पढ़ाई नहीं कर रहा है, जूता खरीदने गया, बताओ तो पढ़ाई छोड़कर। 2x = 180 - 130 डिग्री, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 2x = 50 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25 डिग्री। अब x की वैल्यू 25 आ गया सर, तो y + z बराबर कितना? 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल का बराबर होता है। नेक्स्ट लिखो बोलो। गौरव कुछ ही कर रहा है जी, कहाँ गया गौरव जी? चलो अच्छी बात है, लिख रही बाबू ईशांत, बोले ईशांत बोले यस सर। चूंकि बाबू 22 + z = 130 डिग्री, 22 + z = 130 डिग्री, क्या लिखे बाबू? सम ऑफ बाबू, उतना कौन लेगा, इतना मेरा बच्चा समझता है, रहने दो। जेड की वैल्यू कितना बोला है? बाई की वैल्यू 60 है, 60 + z = 130 डिग्री, z = 130 - 60 डिग्री, z की वैल्यू कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। तो यही तो करना रहता है, करना थोड़ी कुछ रहता है। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो जी, आपको ग्रुप में बाबू 30 को क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन को कॉपी में लिख के सॉल्व करके बनाना है, नहीं बना के भेजोगे बहुत पीटेंगे। 30 को क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, आसान आसान है, उसको बना के भेजिए, एक आध दो दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर। सर मिरर वाला भी बताइए सर। अरे वो भी बता देंगे भोले, आप एगो ऐसा बहुत बताएंगे, पहले ये सब आसान वाला जितना भी है उसको खत्म करो ना। अब इसमें और है बाबू, पैरेललोग्राम अभी बच रहा है, अभी बहुत सारा बच रहा है। हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ाते बाबू कि 4 को क्वेश्चन करवा दिए या ताली बजवा दिए, है ना, स्कूल वगैरह चाहे और कोचिंग वगैरह में। एक बार लाइन एंगल्स पढ़ो, उसके बाद जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सारे बुक का कलेक्ट करके बता दीजिए, बच्चा एक बार समझ जाएगा तो हो जाएगा। हाँ अंशुजीत दिखाओ तो जी, कहाँ लिखा जी अंशुजीत? यस सर दिखाता हूँ। हाँ दिखाओ 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 सेता, इतना बढ़िया इसका नेटवर्क है, खाली बंद करके कॉमेडी करते रहता।
रुको जूम करे दो अंशु जीत कला पे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। शुरू वाला कहाँ लिखा, कहाँ से स्टार्ट किया था जी, इसका पहले वाला 42 का पहले सर, उससे पहले वाला भी लिखा हूँ सर, लेकिन रफ कॉपी खत्म हो गया तो दूसरा मैं लिख रहा हूँ। 43 लिखा, 43 कहाँ, 44 दिखाओ, दिखाओ पेज टर्न करो, 44 चलो सुंदर लिखो, डॉक्टर राइटिंग नहीं लिखता, नेक्स्ट बाबू कौन कौन बच्चा एब्सेंट है बोला, लिख ली बाबू संजना, यस सर, रोशनी ए भोली रोशनी कहाँ चल गई जी, रोशनी रोशनी इहो ढीत हो गई भोली, चलो अगला हम लोग समझते हैं, रोशनी ए भोली नेक्स्ट बाबू, अगला और आसान है, अगला में कुछ नहीं करना है, खाली ये सब ऐसे किया जाता है। देखो आगे वाला क्वेश्चन में क्या कर रहा बाबू, क्या कर रहा है भोला, अब ए बी पैरेलल सी डी दे ले, ये वाला लाइन मा ए बी कहाँ जी, ए बी ए बी ई वाला और ई वाला आपस में पैरेलल है ठीक है ना, तो आपको निकालने का रहा ई सी डी, निकालने का रहा ई सी डी, ये एंगल वन निकालने का रहा, देखो कैसे निकालोगे सोचो थोड़ा सा, यहाँ पे ये वो सेम्बुल बन रहा है, स्क्वायर सेम्बुल बन मतलब ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, कितना बाबू 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री हो गया ठीक, अब ये 90 डिग्री हो गया, धोखा क्या गया, 90 + 30 = 180, तो ये वाला एंगल वन ही निकल जाएगा, 90 + 30 = 120, 90 + 30 = 120, तो ये वाला नहीं निकल जाएगा 60 डिग्री है ना जी ठीक, अब ये 60 डिग्री बाबू, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और जैसे ही 60 हो गया तो आपको ए बी ई वाला लाइन वाई लाइन आपस में पैरेलल दे ले, क्या दे ले, ई वाला सी डी क्या दिया हुआ पैरेलल दिया हुआ, ये दोनों आपस में पैरेलल दिया हुआ, जैसे ही पैरेलल दिया खाली धोखा क्या गया, ये 60 है और ये कितना हो जाएगा, तो कोई इंटीरियर एंगल नहीं होगा 60 है, कोई इंटीरियर एंगल नहीं होगा, कहीं पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में, तो 60 प्लस ये कोई इंटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री, तो ये 120 आ जाएगा, कितना जाए सुरती वीडियो ऑन करो जी, ये 60 है, ये दोनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 120 होगा ना जी, हाँ सर, तो दोनों का सम भी 60 है, तेरे को कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, दोनों का सम 180 डिग्री होगा ना, सॉरी बाबू दोनों का सम 180 डिग्री, तो जब 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, तो ये इसी तो सोचना था, थोड़ी कुछ करना था है ना, देखो जी सोल्यूशन बाबू, श्रुति इन ट्रायंगल बाबू कौन सा 45 नंबर, इन ट्रायंगल किस में, एफ ए ई में, इन ट्रायंगल एफ ए ई में, इन ट्रायंगल एफ ए ई में कितना, 90 + 30 + एंगल ई, इसको मान लो 90 डिग्री एगो प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री, तो ई का वैल्यू निकल जाएगा 60 डिग्री, ई बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल ई बराबर कितना हो जाएगा 60 - 60 डिग्री हो जाएगा है ना, ई 60 डिग्री होगा, इसलिए बाबू बी ई सी 60 हो जाएगा, बी सी भी 60 हो जाएगा, लिखो श्रुति लिखो बोली बैठे ना बाबू, इसलिए बोला एंगल बी ई सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा सर, का है सर वर्टिकली अपोजिट एंगल से, कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल से, सारा बच्चा को जो जो नई होमवर्क बना के भेजेगा उठा बैठी करवाएंगे बाबू वर्टिकली अपोजिट एंगल से ठीक, अब बी ई सी 130 डिग्री हो गया, तो एंगल बी ई सी प्लस ई सी डी कितना हो गया 180 डिग्री हो जाएगा, बी ई सी और ई सी डी 180 डिग्री हो जाएगा कोई इंटीरियर एंगल से, क्योंकि एंगल कौन सा बी ई सी प्लस एंगल ई सी डी बराबर 180 डिग्री,
कैसे सर? सम ऑफ है ना वो को इंटीरियर एंगल है, क्या को इंटीरियर एंगल है, कौन सा एंगल है? को इंटीरियर एंगल है ना, को इंटीरियर एंगल है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, बी से कितना है? 60 डिग्री है। एंगल ई सी डी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल ई सी डी नहीं निकल जाएगा, 180 माइनस 60 कितना निकल जाएगा? एंगल ई सी डी 120 डिग्री निकल जाएगा। तो यही तो करना है, कुछ करना थोड़ी है। फिर उसने नहीं बोलोगे जी, उसने ए भोली का बंद कर लो, नहीं समझ में आ रहा बाबू। और ऐसे सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। खाली आप सकल से मासूम हो, ठीक है ना? सर लाइनिंग, सर लाइनिंग, लाइनिंग उतना भी तेज नहीं आ रहा, मोबाइल वाल थोड़ा हीट होता है इसी कारण आ रहा। सर 46 नंबर में ए बी सी का वैल्यू 78 आएगा। कितना आ रहा है? 78 आ रहा है। यस सर, लिखो बताते हैं। फोर्टी सिक्स में बाबू आपको क्या क्या डरा दिया गया है? टाइम बच जाता जी। जी आप लोग टाइम पे आओ बाबू, शैतानी सब बाबू। देखो तो अगला बच्चा मेरा 5 मिनट पहले आ जाता है, ये सब शैतान है। लिखो जल्दी 46 नंबर। अभी इसमें और बहुत सारा टाइप क्वेश्चन है बाबू। गुड इवनिंग सर। अभी अभी 10-20 को टाइप इसमें और है, 2-3 दिन और लगेगा। 30 क्वेश्चन है, 3 दिन में 300 क्वेश्चन बना लेना है ना बाबू। क्वेश्चन लिख के बनाना है, हमको भेजोगे तो हमको कैसे पता चलेगा? लिख के बनाना है क्वेश्चन, नहीं बनाएंगे संजना बहुत पीटेंगे बाबू। 30 को क्वेश्चन है, नहीं बनेगा क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, आगे बढ़ेगा, हम बता देंगे जो नहीं बनेगा। ऐसे मैक्सिमम आपको हम ये करवाइए दिए। नेक्स्ट बाबू 46 नंबर, दिस क्वेश्चन इज द बाबू 46 नंबर, दिस इज द 46 नंबर। बना के भेजना रोशनी संजना श्रुति बाबू 30 को क्वेश्चन। चलो लिख ली संजना? यस सर। हाँ बाबू, लिखने में तो ट्रैक्टर है, इसे तो लिखने में महारत हासिल है, कुछ आवे चाहे नहीं आवे। देखो बाबू 46 नंबर क्या है, 46 नंबर फिर 2 मिनट शांति से सुनो, उसके बाद आ जाएगा समझ में। कुछ नहीं किया गया, खाली धोखा किया गया, दोनों फिगर है ना वो कनेक्टेड नहीं है। ऊपर बना देते भोला। देखो 46 नंबर बाबू क्या है सर, एगो लाइन ऐसे है, कैसे है, इस तरह से है ना, एगो लाइन कैसे दिया हुआ सर, इस तरह से दिया हुआ। ठीक, समझ रहे ना? यहाँ क्या पी क्यू है, ये पॉइंट का नाम कितना है, पी है, इस पॉइंट का नाम Q है, और यहाँ पे R है, ABC है, इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम कितना है, C है। ये एंगल 102 डिग्री दे ले, 102 डिग्री दे ले। तो आपको एंगल कौन सा निकालने का रहा, शांति से सुनो जी, बाद में लिखना जी। एंगल ABC निकालने का रहा, कौन सा निकालने का रहा, ABC निकालने का रहा है ना। देखो कैसे निकालना, पैरेलल लाइन है बाबू, है ना, हमको तो रास्ता कुछ नहीं दिख रहा है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, रास्ता देखिएगा। ये वाला एंगल निकालने का रहा, ये वाला एंगल क्या होगा, व्हाट होगा, अब कैसे रिलेशन होगा, आगे बढ़ाओ तो थोड़ा सा, ए बी लाइन मार को आगे बढ़ाओ तो, पी क्यू ए बी पैरेलल दे ले, पी क्यू पैरेलल ए बी दे ले, है ना, पी क्यू पैरेलल ए बी दे ले, तो ए बी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करो तो एकदम ठीक है सर, एकदम एक्सटेंड कर दिए। अरे ए बी को आगे एक्सटेंड करो ना जी, मान लो ई तक एक्सटेंड कर दिया, नहीं हो गया? हाँ सर, बात तो आ गया समझ में। नेक्स्ट बाबू, तो अब यहाँ से बाबू ई 102 डिग्री है, शांति से समझना, ई कितना है, 102 डिग्री है, ये वाला एंगल वा है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आ गया। तो ये एंगल वा कितना हो जाएगा, ये एंगल वा कितना हो जाएगा,
पीक्यू पैरेलल बाबू ए बी है, ई लाइन में पैरेलल है, तो 102 डिग्री तो कौन एंगल बनेगा, को इंटीरियर एंगल बनेगा ना जी मेरे लाल, 102 डिग्री तो को इंटीरियर एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ सर बनेगा, तो सर पीक्यू पैरेलल ए बी है, ट्रांसवर्स लाइन है, ये क्या हो गया ट्रांसवर्स लाइन हो गया, तो ये 102 डिग्री तो को इंटीरियर एंगल का सम करना होता है 180 डिग्री होता, तो 180 तो 102 में 180 घटाओगे, 180 माइनस 102 कितना 78 आ जाएगा, ये 78 डिग्री आ गया, इतना तो बात समझ में आ जाता सर, है ना। नेक्स्ट बोला आप समझना है आगे क्या करना, देखो हो गया अब आपका काम हो गया। जय जी अब बाबू देखो ये आप पी पी आर है, पी आर पैरेलल बी सी देले है, पी आर पैरेलल बी सी देले है, पी आर पैरेलल क्या देले बी सी देले है ना, मतलब बी सी पी आर आपस में क्या पैरेलल, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाऊं, तो कौन सा लाइन में पैरेलल है जी, शांति से सुनो बाबू, पी आर पैरेलल बी सी है, अगर भूल जाते ये कौन सा लाइन बनेगा, ट्रांसवर्स लाइन बनेगा। अरे शैतानी प्रॉब्लम भूल जाओ, थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाओ, मर जाओ जहर खा के मर जाओ, ठीक। अब ये लाइन में हो गया ट्रांसवर्स, ये लाइन में ट्रांसवर्स हो गया, अब इसको पीछे बढ़ा दो, कुछ आँख खुला इसे, ई लाइन में पैरेलल है, तो ये एंगल ये एंगल में कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये एंगल ये एंगल में कौन सा रिलेशन हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये में कौन सा रिलेशन हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसीलिए ये वाला कितना हो जाएगा 78 डिग्री हो जाएगा, तो ए बी सी तो निकालना था, ये कितना हो जाएगा 78 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 78 डिग्री हो जाएगा, यही तो करना था, कुछ करना थोड़ी था, मतलब क्या था, कुछ नहीं करना था बोला, यहाँ से लाइन है बाबू, ये लाइन क्या है पी क्यू है ना, ये 102 डिग्री दल है, नहीं समझे बाबू, गुनगुन आ गया सर, अब बोले क्योंकि बाबू क्या लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल कितना बाबू ए बी, पी क्यू पैरेलल ए बी है ना, पहले ए बी को एक्सटेंड करो, एक्सटेंड ए बी बाबू पॉइंट ई तक एक्सटेंड करो, आपका रास्ता क्लियर दिखाई देगा। सॉल्यूशन बोला लिखो जी, एक्सटेंड बाबू लाइन ए बी टू पॉइंट ई, कहाँ तक बढ़ाया सर, टू पॉइंट ई तक बढ़ा दिए, इसलिए बाबू एंगल क्यू पी आर, ठीक, एंगल कौन सा बोला क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर प्लस पी ई, इधर से चलो प्लस एंगल पी ई, इधर चल जाओ बाबू बी या ए कर दो, कितना 180 डिग्री, दिस एंगल 180 डिग्री, कैसे को इंटीरियर एंगल से, कौन सा को इंटीरियर एंगल से, है ना, ठीक सर, तो क्यूपीआर हमको दे ले सर, ये वैल्यू दे ले है 72 डिग्री, एंगल पी ई ई बराबर 180 डिग्री, तो एंगल पी ई ए बराबर 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो एंगल पी ई ए बराबर, सॉरी बाबू ये दिले 102 डिग्री दिले, ये 102 डिग्री दिया हुआ, कितना दिया 102 डिग्री, तो ये हो जाएगा 78 डिग्री, पी ई ए 78 डिग्री, पी इसको नाम पॉइंट अलग दे दो जी, पी ई एंगल बाबू इसको एफ कर दो भोला, तो पी एफ ए कर दो, नहीं तो कन्फ्यूज आकर आ जाएगा, पी एफ ए कर दो, 78 डिग्री हो गया सर। अब पी आर पैरेलल कौन सर, बी सी, पी आर पैरेलल बी सी, पी आर पैरेलल बी सी, चूंकि क्या लिखेंगे भोला, सब शैतान सब है अंकुश, चूंकि पी आर पैरेलल बी सी है ना, हाँ सर पी आर पैरेलल बी सी बाबू, तो एंगल पी एफ बी बराबर एंगल ए बी सी, पी एफ ए कर दो, आधे दूर तक चलो, पी एफ ए 78 दिले, कितना दिले 78 डिग्री दिले बराबर एंगल ए बी सी,
इसलिए एंगल एबी से करना हो गया 78 डिग्री। इसमें आप लोग को 30 को कोसेक, बेटा बार बार बोल रहे हैं ना, दो दिन में उसको फिनिश करो बना के। इसमें और कुछ कुछ टाइप है बाबू, और हम लोग पढ़ेंगे इसमें, है ना, जितना भी टाइप है सारा पढ़ेंगे, डंडी मार के नहीं पढ़ाई करते हम लोग। भागा कौन कौन जी, ये सब शैतान खाली भागने में ट्रैक्टर है, टाइम होता है कि भागना शुरू करता है। गुड इवनिंग सर। हाँ बोले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, जाइए शैतान, आप लोग तो शैतान। उम्र आप लोग कहा नहीं, बीच में किसका किसका नहीं आ जाए, उठा बैठी पहले करवा देते हैं ना सबको।